लाहौर के एंट गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ गोहावा में जेस फाउंडेशन के ज़र इंतज़ाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें स्कूल के तमाम तुलबा का फ्री मुआयना और अद्वियात भी दी गई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। फाउंडेशन के जेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें स्कूल के तमाम तलबा का मुफ्त मुआयना व अदवियात दी गई। कैंप जीस फाउंडेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मुख्तार कुरैशी के जेरे इंतजाम में लाया गया। माहिर गायनी डॉक्टर कमल ने तमाम तलबा का खसूसी मुआयना करके अदवियात दी और बच्चों को डेंगू एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। इस मौका पर डॉक्टर कमल का कहना था कि जीस फाउंडेशन ने हमेशा गरीब व मुफलिस अवाम के लिए शोबा सेहत में राहें हमवार की हैं और आइंदा भी इसी तरह अवामुन्नास की खिदमत करती रहेगी। हमारा बयान लोगों तक फ्री और मयारी अद्वियात का पहुंचाना है, उस गरीब अवाम की मदद करना है जो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर कंवल ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं जियो हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी करती हूँ और यहाँ पे जो है कैंप पर फॉर्म कर रही हूँ। हम यहाँ पे जीस फाउंडेशन की तरफ से जो है हाजिर हुए हैं और इस पर हम बच्चों का फ्री चेकअप वगैरह करते हैं। और जीस फाउंडेशन की सबसे मेन बात यह है कि पेशेंट का जो है चेकअप वगैरह, अल्ट्रासाउंड और ऑपरेट वगैरह हर चीज़ जो है वो 50% डिस्काउंट पे हो जाता है, जो कि नॉन अफोर्डेबल सिस्टम के लिए जो है काफ़ी फिजिबल है। और इसके अलावा हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे पास नॉन अफोर्डेबल पीपल आ जाते हैं या जो आवाम लो तबके की है वो अफोर्ड नहीं कर सकती चीज़ों को, और चेकअप वगैरह या किस तरह से कुछ भी मसला होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल के सेटअप में नहीं जा सकती है, इसके लिए फिर हम यहाँ पे जो है अपने बेसिकली हॉस्पिटल की जो साथ वो कर रहे हैं प्रमोशन, ताकि वो हमारे पास आए और उनको फ्री डिस्काउंट भी है। कैमरामैन से सदफ हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लालिया की, जहां पर यासिर एजाज को सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान मुंतखब होने पर महर हैदर इम्तियाज लाली उनकी रिहाइशगाह पर मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे, जहां पर सरपरस्ते आला जियाउल हक भट्ट, सदर शेख हाजी मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी शेख अली जुल्फिकार, चेयरमैन शेख फजल करीम, वाइस चेयरमैन चौधरी उस्मान इस्लाम भी मौजूद थे। यासिर एजाज की जानिब से पुरतकल्लुफ दावत का अहतमाम किया गया। इस मौके पर महर हैदर इम्तियाज ने तमाम नौमुंतखब ताजरान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अपने इलाके के तमाम तर मसाइल को मिलकर हल करने के लिए पेशकश की। लाहौर कैंट के इलाका भीनी जटा दी के शरीफ शहरी हामिद फारूक को दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम आईजी पंजाब सीसीओपीओ लाहौर और डीआईजी सीआईए इमरान किश्वर से मुतालबा करते हैं कि डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ों का फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। शरीफ शहरियों को हिरासत करने और माल खुर्द बुर्द करने पर एसआई राय एहसान, एएसआई एजाज कबीर और दीगर को महकमा से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर कैंट के इलाका भैनी जटानी में। अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता चंद दोस्त कबल जो है वो सी आई ए बार टाउन मंशियात सेल से एस आई राय एहसान और ए एस आई एजाज कबीर ने 20 से 25 नामालूम मुलाजमीन के हमला भैनी जटानी के मोजस शहरियों के घर पर चादर चार दीवारी के तकदस को बमाल करते हुए इनके घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को हरासा किया और घर में मौजूद अताउल्लाह और सजाद को गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, इनके घर की तमाम चीज़ों की तोड़फोड़ करने के बाद घर में मौजूद पैसे भी अपने साथ ले गए और इन दो अफराद की जामे तलाशी में जो रकम पुलिस को मिली वो भी खुद कर दी गई, जिसके बाद हामद साहब जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनकी मदयत में एक दरख्वास्त सीसीपीओ लाहौर बलाल सदीक म्याना साहब को दी गई, जिसकी इंक्वायरी एसएसपी डिसिप्लिन ताहर साहब ने करवाई, जिसमें ये बात साबित हुई कि एसआई
राय एहसान और एएसआई इजाज कबीर जो हैं वो गलत साबित हुए, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से रेप की, जामिया तलाशी के दौरान ली गई रकम खुद बुद्ध की और चादर चार दीवारी के तकदस को पमाल करके इन शरीफ शहरियों की इज्जत का जनाजा निकाला गया। यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ कि वो लोग जो पंजाब पुलिस की गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस की इस्लाहात के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर बावजूद इसके रायसान और एएसआई इजाज कबीर जैसी काली भेड़ें अभी भी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जिनकी वजह से डिपार्टमेंट जो है वो बदनामी का बायस बनता है। यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ, ये इस वक्त रिपोर्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये एसएसपी डिसिप्लिन ताहर साहब की रिपोर्ट है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि एसआई राय एहसान और एएसआई इजाज कबीर इसमें गिल्टी करार दिए गए हैं। अब देखना ये है कि सीसीपीओ लाहौर बलाल सदीक कमियाना, आईजी पंजाब और दीगर जुम्मादारान अफसरान जो हैं वो इन दो काली भेड़ों के खिलाफ कहाँ तक नोटिस लेते हैं, इनको महकमा में रहने देते हैं, नौकरी करने देते हैं या महकमा से बर्खास्त करते हैं। इस इलाका मौजूदी और शरीफ शहरी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इन तमाम हालातों वाकयात के हवाले से क्या कहते हैं। मेरा नाम अहमद वाला, 13/9/2024 साढ़े घर उगुआ पिता है, जो पुलिस वाले रायसान रायसान और ऐसा ही अपना याद भी ये मसलसल इन्हें भी तो 20 बंदे मौजूद सन, जिन रात 9 बजे आके साढ़े घर हमला हो गए। उस तो बाद साढ़े घर उन्होंने कोई नकदी समान नहीं लिया, कोई समान की तोड़ फोड़ की है, मोबाइल चोरी किया है, साढ़े घर के चार दीवारी चार दीवारी तक बीमार किया गया है। उस तो बाद मैं सीसीपीओ लाहौर को दरखास्त दी है, उन्होंने दरखास्त तो बाद इनकवायरी वास्ते दरखास्त ला दी है। उस दरखास्त के इनकवायरी हुई है कि सामने बुलाया गया, इन्हें बुलाया गया, तो वो बावजूद इस तो बाद गिल्टी साबित होया, जी कि दरखास्त की कापी भी साढ़े को मौजूद है। असं अपील कर रहे हैं डी आई जी इमरान इमरान किशोर साहब के, आई जी पंजाब के और सीसीपीओ और एस एस डिसिप्लिन मशहूर है जिन्हें सू इंसाफ दिता गया। अलैक मेरा नाम मसूला है, मेरे छोटे भाई ने सावला सजाद के साढ़े घर आए हैं, 20 तो 25 बंदे आए हैं, दीवारा टप्पिया ने दरवाजा तोड़िया आने के चीको पका साढ़े घर के पैर शुरू होने बच्चे रोन डे ने, मैं दौड़ के आया तो इन्होंने गन्ना तानिया मेरे भाई के उत्ते, तो बच्चे रोन डे ने, छोटा बच्चा से वो गन्ना तानिया ने, वो किन्ने दिन वास्ते जरा रोंदा रहा कि डर डरते मारे ना। तो उस तो बाद दरखास्त दी इन्होंने, वो साड़ी दरखास्त चल अल्लाह करे तो इन्होंने सुनी साड़ी गल सुन ली सीसीपीओ साहब ने, तो अपने जोड़े है सीआईए के इंचार्ज जो डीआईजी ने, तो इन्होंने कार्रवाई की और ये साबित भी हो गए कि गुनाहगार ने, यह साढ़े वास्ते ये डकेट ने, ये डाके मारते जान के पैसे लुट के लै जाते हैं, इन्हें हालत साड़ी की करनी आप डाकू ने जेवर लै जाते हैं, तोड़ फोड़ करके सुट जाते हैं, जोड़ी चीज इन्ने बंदे ने इन्होंने नाल रखे ने, जोड़े इन्होंने नाल सिविल बंदे ने वो इन्होंने नाल लेंदे ने, जो किसी घर रेड करनी होती दीदियाँ भी नाल सिविल लै आते हैं। यहाँ पर मौजूद अफराद का यही कहना है कि हम जिला पंजाब आईजी पंजाब सीसीपीओ लाहौर और ख़ास तौर पर डीआईजी सीआईए इमरान किशोर साहब से ये बात इस बात का मुतालबा करते हैं कि ऐसे ही राय एहसान और ऐसे ही इजाज कबीर के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई करते हुए उन्हें महकमा से बर्खास्त किया जाए और इंसाफ के ठिकानों को पूरा किया जाए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन टीवी लाहौर।